हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि किस प्रकार से हम सी लैंग्वेज में प्राइम नंबर का प्रोग्राम बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यहां से। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं हैश इंक्लूड, हेडर फाइल है हैश इंक्लूड stdio.h, देन हैश इंक्लूड conio.h, देन यहां पे void main लगाएंगे। वाइड मेन लगाने के बाद नीचे एक कर्ली ब्रैकेट ओपन करेंगे, देन यहां पे इंटीजर डेटा टाइप लेंगे हम और यहां पर दो वैल्यू ए और आई ले लेते हैं हम, ठीक है। आई लूप चलाने के लिए लेते हैं और ए इसमें हमारी वैल्यू स्टोर होगी, यूजर एंटर करेगा वो ए में जाएगी वैल्यू, ठीक है। हम प्राइम नंबर का प्रोग्राम बना रहे हैं, ठीक है। अब यहां लिखते हैं हम प्रिंटएफ लिखा हमने चाहिए तो ये दिखाई पड़ेगा, चिंता मत कीजिए। इसके बाद यहां पर नीचे आएंगे तो स्कैनफ लगाते हैं क्योंकि यूजर से एंटर करवाना है वैल्यू। तो यहां लिखता हूं मैं परसेंट डी इज अ काइंड ऑफ फॉर्मेट स्पेसिफायर, यू नो। और इसके अलावा परसेंट एफ और भी फॉर्मेट स्पेसिफायर होते हैं, जैसे परसेंट सी है, परसेंट एफ है, परसेंट एल एफ है, तमाम फॉर्मेट स्पेसिफायर होते हैं, इनके भी बारे में बाद में बात करेंगे। अब यहां पर हमें क्या करना है, एड्रेस देना है, एड्रेस ऑफ ए, ठीक है। और दूसरी तो कोई वैल्यू है नहीं तो एड्रेस ऑफ ए दे दिया, इसी में जाके वैल्यू स्टोर होगी। टर्मिनेट किया इसे, यहां पे लगाएंगे फॉर लूप, ठीक है। लेस देन और इक्वल टू ए माइनस वन कर रहा हूं, देखिएगा यहां वैल्यू हमने ली है ए, ये देखिए यहां पे वेरिएबल एक बनाया है ए, तो ए माइनस वन तक ये लूप चलेगा हमारा। बहुत ज्यादा इसमें एक्सप्लेनेशन की तो आवश्यकता है नहीं, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं आपको। प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो खुद से डिवाइड होता है और किसी से डिवाइड नहीं होता है। यूजर एंटर करेगा वो प्राइम नंबर है कि नहीं है ये हमें पता करना है, ठीक है। तो एक को तो पता करने की जरूरत नहीं, एक ना तो कंपोजिट होता है ना तो प्राइम होता है, ये आपको पता है। मैं आई की वैल्यू को टू से स्टार्ट कर रहा हूं, टू से डिवाइड करना चालू करेंगे क्योंकि एक से तो सारे ही नंबर डिवाइड हो जाएंगे, दैट्स वाई हम टू से डिवाइड करना चालू करेंगे। इस वजह से हम यहां आई इज इक्वल टू टू स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। देन आई की वैल्यू को लेस देन और इक्वल टू ए माइनस वन तक चलाएंगे, यानी कि ए में जो वैल्यू एंटर करेगा यूजर उससे एक कम तक, ठीक है। यानी अगर सपोज कीजिए यूजर ने एंटर किया 5, तो 5 तो 5 से डिवाइड हो ही जाएगा, तो इसीलिए ए माइनस वन तक मैंने चलाया है लूप को। इज इट क्लियर? चलिए अगर ऐसा हो तो आई प्लस प्लस कर देता हूं मैं, ठीक है। अब आई प्लस प्लस यहां पे क्या करना है आपको, इफ एल्स की कंडीशन देनी है, तो मैं यहां देता हूं इफ ए मॉड्यूलो आई इज इक्वल टू जीरो, अगर ये पूरा डिवाइड हो जाए तो क्या होगा, तो ये पूरा डिवाइड हो जाएगा तब तो प्राइम ही नहीं होगा। तो यहां से मैं ब्रेक कर देता हूं, ब्रेक एक कीवर्ड है, तो इस कंडीशन को देख लेते हैं। इफ आई की वैल्यू बढ़ते बढ़ते ए के बराबर हो जाए, देन ये बात पक्की है कि लूप पूरा चला है और डिवाइड नहीं हुआ है, दैट्स वाई यहां प्रिंट एफ में मैसेज क्या देंगे, प्राइम। ओके, इज इट क्लियर? ओके, यहां इसको टर्मिनेट करता हूं मैं। और इफ की कंडीशन तो हमने लगाई ही है, अब यहां पे करेंगे else, यहां पे लिखेंगे प्रिंट एफ नॉट प्राइम, क्या लिखेंगे, नॉट प्राइम। हमारा काम हो गया पूरा, अब इसको करेंगे हम टर्मिनेट। अब ये जो सॉफ्टवेयर हमने बनाया ये प्राइम और नॉट प्राइम के बीच में डिफरेंस करेगा। आइए इसको अभी हम रन करवाने वाले हैं, तो पहले इसको यहां से टर्मिनेट कर लेता हूं, देन यहां से बंद किया और ये टर्मिनेशन यहां पे देता हूं गेट सीएच, ओके, ताकि स्क्रीन हमारी पॉज होती रहे, तभी तो हम रिजल्ट अपना देख पाएंगे। देन यहां से इसको करूंगा सेव, सेव करते समय मैं प्राइम डॉट सी करूंगा, ठीक है। अब इसको करता हूं यहां से मैं कंपाइल, तो ये हमारी फाइल कंपाइल हो गई, कोई एरर नहीं है। अब इसको करता हूं रन, तो ये हमारी फाइल रन हो चुकी है। करता हूं सबसे पहले फोर, कहानी क्या है, नॉट प्राइम, ओके। देन फिर मैं इस प्रोग्राम को क्लोज करता हूं, देन फिर से रन करवाता हूं यहां से। अब मैं एंटर करूंगा टू, आइए देखते हैं टू, ठीक है। एंटर प्रेस किया हमने तो ये प्राइम है। अच्छा, वन का तो हमने चेक नहीं किया, अभी वन का भी चेक करते हैं, पहले हम और भी चीजें चेक कर ले। यहां से मैंने इसको फिर रन किया, मैं यहां पर लिखता हूं 55, क्या 55 प्राइम है, नहीं प्राइम नहीं है, ये हमें पता है क्योंकि 11 से डिवाइड हो जाता है, तो यहां देखिए नॉट प्राइम, ओके। अच्छा चलिए फिर और चेक करते हैं, और भी नंबर दोबारा से रन करवाता हूं,
तो ये प्रोग्राम रन हो गया। अब मैं यहां पे एंटर करता हूं 169। क्या 169 प्राइम है? नहीं, प्राइम नहीं है, ये 13 से कटेगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब जो बचा हुआ है 1, उसको हम रन करवाते हैं। तो यहां पे मैं लिखता हूं 1 को तो हमने देखा ही नहीं। देखिए 1 कोई प्राइम नहीं होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था। तो ये देखिए नॉट प्राइम अपने आप आ गया। दैट्स व्हाई आवर प्रोग्राम इज राइट। और उम्मीद है कि ये प्रोग्राम आपको जरूर समझ में आया होगा। कोई कमेंट्स, कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।